right now. Thank you. अच्छा, ये जो आपको इस वक्त सीन नज़र आ रहा है, ये देखने में तो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, लेकिन ये है इंतहाई ख़तरनाक ख़तरनाक इन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, इन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, ये घरों से बेघर हो गए हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। ये देखें, ये बस्ती में और जो दरिया का पानी है इसके बीच में सिर्फ 100 फुट या इसके आसपास फासला होगा। ये आज रात तक पानी उधर पहुंच सकता है या हो सकता है कल सुबह तक पहुंच जाए, उसके बाद ये बस्ती यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको पानी पानी नज़र आएगा। और ये जो हरी भरी फसलें हैं और लहलाती फसलें हैं, ये कल आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगी। ये चेक करें, ये अभी तकरीबन 1 मिनट पहले ज़मीन का ये टुकड़ा जो सारी मिट्टी है ये दरिया के अंदर गई है, ये जो आपको नज़र आ रही है 1 मिनट पहले अंदर गई है। तो इस तरह दो दो चार चार मरले, एक एक कनाल भी जो एक टाइम में जो दरिया है वो अपने अंदर लेकर चला जाता है। ये बिल्कुल एज पे देखें, इस साइड पर फसल है और इस साइड पर दरिया बह रहा है। जी बेहिसाबा मतलब दरिया ने मतलब अपनी लपेट ले लिया, मकान भी मतलब अपना ढा के ते अपने दूसरी जगह ते शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, ये दसो भी जेड़ा दरिया का पानी हुन बह रहा है, ये पहले केड़ी जगह ते बंद आई? आज तो 3-4 दिन पहले। ये पहले तो जी वो बड़ा काफी दूर आई जी, मतलब अपना किनारा, ये जिते रेत नजर आ रही है इस ते आई, इस तो भी दूर है पर आई। अच्छा, इस तो भी पर आई। अच्छा, तो थानू की लग रहा है बई, ये हूँ जिस तरीके नाल पानी चल रहा है तो उतो भी ये अजे तक इतलाह है बई मजीद पानी आएगा, तो कितने तक जाके अगे रुकेगा? हो सकता है जी मतलब इन मकाना तो भी परा चला जाए। अच्छा, ये इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा खौफनाक मंजर है, इनकी आंखों के सामने इनकी फसलें तबाह हो रही हैं, इनके जानवर वो मर रहे हैं और इनके जो घर हैं वो तबाह हो रहे हैं। सामने पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये कितनी लहलाती फसल है, ये 5 या 10 मिनट या हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर पानी के अंदर होगी। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक मंजर है, इसका अंदाज़ा यही लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये फसल, ये इन लोगों ने फसल काट कर रख दी हुई है पीछे, ये इस साइड पर लोगों का इंतहा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं ये ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। अभी जो जब लोगों से मैं पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट की जगह पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने इनको 2-2, 3-3 एकड़ अलाट की हुई है जिससे ये अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। अच्छा, ये पानी के बहने की आप स्पीड चेक करें, कितना ज़्यादा तेज़ी से पानी बह रहा है। दरिया में पानी कदरे कम हुआ है लेकिन इसकी जो रफ़्तार है वो कम नहीं हुई, इसकी रफ़्तार इसी तरह बरकरार है। ये इसी रफ़्तार से लोगों की फसलों को निकल रहा है, लोगों की ज़मीनों को निकल रहा है, लोगों के जानवरों को निकल रहा है। और चिड़ी भी उन्दी पे। अगर ये इस तरह बहता रहता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है और ये कोई पता नहीं कि नुकसान कहाँ पर जाकर रुकता है। अल्लाहु अकबर, इस पानी का आप बहाव चेक करें कितना ज़्यादा तेज़ है। अगर खुदा न खास्ता इस पानी में कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो मेरे ख्याल में उसका बचना इंतहाई मुश्किल होगा।
ये आप देखें, ये जहाँ पर आप रेत के टीले नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, या शायद इससे आगे इसका किनारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीनों को अपने अंदर ले रहा है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उनको अपने अंदर समा रहा है, और इसकी जो अपनी इसकी हद बढ़ती जा रही है। ये आगे आप चेक करें, ये डायरेक्ट मतलब फसलों में इसके में का पानी जा रहा है, और एक एक दो दो मिनट बाद ये निकल रहा है।